हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी क्लास सिक्स मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर होल नंबर्स। हम इसके दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये हमारा पार्ट सी है। पार्ट बी में हमने होल नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो आइए अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हमारी ये है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करके हमें क्या करना है, इनको सॉल्यूशन निकालना है इनका। ए है हमारा 837 प्लस 208 एंड देन है 363। हम इसको किस तरीके से कि हमें थोड़ा फास्ट आंसर मिले, तो हम पहले यूनिट्स नंबर को देखते चलेंगे कि दो कौन सी यूनिट्स को हमें प्लस थ्री और सेवन को प्लस करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, हमें यूनिट जो वंस प्लेस है वहाँ पे ज़ीरो मिल जाए जल्दी से, कि हमें थोड़ा ऐड करने में थोड़ी इजी हो। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 837 प्लस 363 इनका सम एक ग्रुप बनाकर 208 को रख देते हैं। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पर हमारे को कितना मिलेगा, इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 1200। फिर इसमें हम कर देंगे 208 प्लस कर देंगे, तो हमारा सिंपली निकल गया ना, हमारा क्या आ गया 1408 आंसर। इसको इसमें प्लस करते, फिर कुछ ये ऑड नंबर आता, फिर प्लस करते, आता तो यही आंसर। बट ये देखना है हमें किस तरीके से अरेंज करना है कि हमें फास्ट आंसर मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब इसमें हम ये जो है इवन नंबर से यूनिट प्लेस में इनका ग्रुप बना लेते हैं और ऑड नंबर का ग्रुप बना लेते हैं। ये देखो, ये थ्री और सेवन ऑड नंबर्स होते हैं, ये टू और एट इवन नंबर्स होते हैं, तो ये ऐड करने में थोड़ा इजी होते हैं। और देखो, टू और एट को प्लस करेंगे तो टेन आता है, और थ्री और सेवन को प्लस करते हैं तो टेन आता है। ये थोड़ा हमारा ईजी कर देगा क्वेश्चन को। इन दोनों को ग्रुप बना लेते हैं और 453 प्लस 647 इन दोनों को ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आएगा, ये हो गया सॉरी 3500। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आएगा, इन दोनों को ऐड करें 1100। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इजी हो गया, 00 तो लास्ट में आ गई। इनको देखो कितना ईजी होगा ना, 5 और 1 6, 3 और 1 4, हमारा आंसर क्या हो गया 4600 या फिर 4600। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, वही रीअरेंज करना है सूटेबल, जिससे हमारा थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चंस करना। तो ये है 2 × 1768 × 15। तो उसमें क्या देखा था, उसमें बोलता सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इवन नंबर को, या तो जिसका यूनिट या तो फाइव में क्या करना है, कोशिश करना है फाइव से मल्टीप्लाई हो, फाइव या फिर 15 25, जिसके यूनिट प्लेस में फाइव हो, या फिर टेंथ प्लेस पे ज़ीरो हो, या फिर सॉरी वंस प्लेस पे ज़ीरो होने के बाद, या फिर टेंथ प्लेस पे फाइव हो, मीन्स फाइव से कोशिश करना है कि वो फाइव से मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है और ये 50, तो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं 5 × 50 × 1768। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 100 और ये 1768। देखो कितना सिंपल हो गया ना, 768 बस 00, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस 00 पुट करना है, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट बी हमें दे रखा है 4 × 166 × 25। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो ये भी है बट सबसे स्मॉलेस्ट ये है, इसको इससे करेंगे तो 4 × 25 ब्रैकेट × 166, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 100, ये हो जाएगा 166 बस 0 पुट करने हैं तो 16600 आंसर इजीली मिल गया हमें। ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। अब सी में हमें ये दे रखा है 8 × 291 × 125। फाइव वाले ये है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर ये है, तो 8 × 125 ब्रैकेट × 291। यहाँ पे
अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1000, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जगह 219000 मीन्स 291000। डी पार्ट, डी पार्ट क्या दे रखे हमें, ये है डी पार्ट, यहाँ पे कर लेते हैं हम डी 625 इंटू 279 इंटू 16। अब वही देखना हमें, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर ये है, 5 वाला डिजिट ये है, तो 625 इंटू 16 इन ब्रैकेट 279। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 10000। देखो अगर हम इसको 625 को स्प्लिट करेंगे ना, तो ये 25 और 25 को मल्टीप्लाई करके बनता है, और 16 को करेंगे तो 16 होता है हमारा 4 और 4 को, वही 25 4 से पता ही था, ये 100 और ये 100, दोनों 100 मिलकर के बनाते हैं 10000, है ना। तो इसलिए जो देखना होता है हमें, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो उसको कोशिश करना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 वाली नंबर से, जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो ये हो गया 10000 मल्टीप्लाई 279, ये हो गया 279000 मीन्स 27,90,000। तो डी हो गया हमारा, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट, ई में है 285 मल्टीप्लाई 5 इंटू 60, स्मॉलेस्ट इवन नंबर और 5 ये है, तो इसको कर दो 285 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई पे एक मिनट, 5 ही है, हाँ ये 5 ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा 300। 300 अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा 85500। देखो 3 5 15 वन कैरी, 3 24 1 25 2 कैरी, 3 2 6 और 8, ठीक है। ई अब एफ कर लेते हैं, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम कर लेते हैं 125 को 8 से और इसको इससे, तो 125 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 1000, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा कितना आएगा 1000। तो दोनों को लिख देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स 10 लाख हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारे को अपनी कैलकुलेशन जितना हो सके उतनी ईजी करनी है, इसलिए हम इस तरीके से उसको रीअरेंज करके करते हैं। तो अब हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया अपना, अब हम अपना कौन सा क्वेश्चन करते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बस वैल्यू निकालनी है, बस आपको ये देखना है वही कम्युनिटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी करी थी हमने, तो इसका ए पार्ट है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, दोनों को 297 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, तो 297 को हम अलग लिख देते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करके लिख देंगे, 297 इंटू कितना, अब 20 करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको ज़ीरो का तो ज़ीरो आ जाएगा, 4 2 9 3 ये 5, कितना 5940, ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट में ये है 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 54279, सेम यहाँ पे ये नंबर जो है दोनों में कॉमन है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8, 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 100, फिर इसको 54279 मीन्स 54279, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो बहुत ईजी हो गया, 100 से मल्टीप्लाई बस दो जीरो लगाने लास्ट में, ठीक है। बी पार्ट भी हो गया हमारा, अब हम सी पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट यहाँ करेंगे, ये 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69, यहाँ पे हमें ये नंबर कॉमन है दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 181265,
और यहाँ क्या करना है 169 माइनस 69, तो बस 81265, इसमें से ये माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास 100। तो ये तो इजी हो गया, 81265 मीन्स 81265 इंटू 100 हो जाएगा 26500, कितना हो गया ये 81,26,500। सी पार्ट भी हो गया हमारा, अब डी पार्ट कर लेते हैं इसको इरेज करने के बाद। डी पार्ट 3, 8 डी पार्ट 4, 5 इंटू 5 इंटू 7, 8, 2 प्लस 7, 6, 9 इंटू 2, 5 इंटू 2, 1, 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हम किसको कॉमन लेना है और किसको अंदर ग्रुप में हम छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर है ऐसा जो कॉमन हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको इस नंबर को एक्सपेंड कर लेते हैं, 25 एक्सपेंड हो जाएगा। इसको करने को हम किसी को भी कर सकते हैं बट इसको थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो 3, 8, 4, 5 इंटू 5 इंटू 7, 8, 2 प्लस 7, 6, 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 1, 8। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सारे ऐसे उतार लेते हैं, 7, 8, 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 45, 6, 30, 30 और 4, 34, 35 और 3, 38। अब देखो अब सेम हो गया ना, 2, 1, 8, तो ये वाला नंबर अब सेम आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं हमारे, तो 3, 8, 4, 5 इंटू 5 ये कॉमन आ गया, 7, 8, 2 प्लस 2, 1, 8 इनको इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको अंदर ऐड कर लेंगे। इसको बाहर मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5 ज़ा 2, 20, 22, 40 और 42 और 3 ज़ा 9, तो और ये कितना आ जाएगा, या के 1000, तो हमारा आ गया आंसर 19,22,500। ठीक है, बस देखो हमें इजी बनानी है अपनी कैलकुलेशन, हम करते हैं बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती हो तो वो भी जाता, बट बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है फिर उसको मल्टीप्लाई करते फिर उसको ऐड करते फिर उसको मल्टीप्लाई करते, तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो जाता, इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, थर्ड के बाद हम कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगानी है, वही हमने कौन सी कर ली, एसोसिएटिव कर ली, अब इसमें हमें देखो इसमें पता चल रहा है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज करते हैं, ए पार्ट में 7, 3, 8, 7 and 38 इंटू 103 डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, तो वही हम किसको एक्सपेंड कर देंगे, इस नंबर को एक्सपेंड कर देंगे, 100 प्लस 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7, 3, 8, 00 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा, 24391 कितना आया, 2214। इनको अब ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, इसको ऐड करने पे हमको मिलेगा 41067। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव से। बी पार्ट हमारा ये 854 इंटू 102 को खोलेंगे तो 100 प्लस 2 100 से तो इजी है मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें क्या करना है, 854 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 854000 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा हमारा। अब इनको क्या करना है, हमें अब इनको ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 801 और 78। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट कर लेते हैं, 258 इंटू 1008 इसमें यही हमें यही नंबर खोलना है, 1008 को खोलेंगे तो 1000 प्लस 8 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8 2580 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, 8 को मल्टीप्लाई 4, 6,
0 2। इनको अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने पे हमारा मिलेगा 4 6 0 एंड 0 6 2। ठीक है, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट कर लेते हैं, 1005 × 168। तो 1000 + 5 × 168, इसको पहले करेंगे 1000 × 168 + 5 × 168, 2 3 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, 0 30 36 33 34। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 840। इनको हम ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 604886। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 पे हमारा फिनिश हो गया, 5th कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने अपनी जो पेट्रोल जो टैंक था वो कितना, 40 लीटर फिल करा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर। कितना, अगले दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल फिल करा अपने टैंक में, अपनी गाड़ी के टैंक में। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, कितना है 44 पर लीटर, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो दो मेथड से करके दिखाऊंगी मैं, सेम जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था ना। तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वी कैलकुलेट इंडिविजुअली, एक दिन का निकालेंगे टोटल कितना स्पेंड करा है उसने। तो क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना है, 44 पर लीटर है। ठीक है, ऑन मंडे ही स्पेंड, कितना स्पेंड करता है, कितना फिल करा था उसने, 40 लीटर तो उसने फिल करा था, और रेट क्या है उसका, 44। ऑन ट्यूसडे ही स्पेंड ऑन पेट्रोल कितना फिल करवाया था उसने, 50 लीटर फिल करवाया था, और कितना, 44 रेट है। तो ये आ जाएगा हमारा 760। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारा 2200। अब इनको क्या करेंगे, टोटल एक मिनट, टोटल ही स्पेंड ऑन पेट्रोल कितना, 1760 + 2200। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करने में मिलेगा 0 6 19 3, कितना, 3960। इतना इसने ओवरऑल स्पेंड करा है। ये फर्स्ट मेथड है हमारा। सेकंड मेथड देखो अब, सेकंड मेथड, फर्स्ट पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे कितना, 40 लीटर। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना, 50 लीटर। टोटल पेट्रोल फिल्ड कितना करा था उसने, टोटल उसने करा है 90 लीटर। कैसे, 40 + 50, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितनी है, 44, फिर कॉस्ट ऑफ कितना, 90 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा, 44 × 90 = 3960 रुपीज़। ठीक है, ये इसने टोटल स्पेंड करा है दोनों मेथड से। वैसे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों। मैंने बस आपको समझाने के लिए दो मेथड दिखाए आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे। ये 6th क्वेश्चन
अब मैं दोनों मेथड नहीं करके देखूँ, वो समझाने के लिए था बस आपके लिए, ठीक है, कि आप दोनों मेथड में से कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अ वेंडर सप्लाइज 32 liters ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 liters ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। एक वेंडर है वो 32 liters जो है वो सप्लाई करता है, कहाँ सप्लाई करता है, भिजवाता है कहाँ, होटल में, मॉर्निंग में तो 32 और इवनिंग में कितने, एक मिनट, इवनिंग में 68, ठीक है। इफ़ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, अगर जो मिल्क की कॉस्ट है वो कितनी है, 45 पर लीटर है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो कितना देना होता है उसको, वेंडर को कितनी ड्यू है उसकी एक दिन का मनी, तो निकाल लेते हैं। दोनों मेथड में से कोई सा भी आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है, मैं एक से करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इन मॉर्निंग कितना, 32 liter मॉर्निंग में, और सप्लाई ऑफ मिल्क इन कितना, इवनिंग, इवनिंग में कितना करता है, इवनिंग में 68 करता है, तो टोटल सप्लाई कितना करता है, टोटल सप्लाई ऑफ मिल्क, टोटल सप्लाई करते हैं, इनको ऐड कर दो, हो जाएगा 100 liter एक दिन में, तो फिर क्या, फिर वही निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 liter कितनी है, 15 rupees, तो फिर हमें कितनी फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ 100 liter, तो 15 into 100, ये हो जाएगा हमारा 1500 rupees, तो कितनी 1500, यहीं से स्टेटमेंट लिख लेंगे रुपीस, 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन भी हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यहाँ पे मैचिंग करनी है हमें, एक मिनट, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे वो ये देखो, ये दे रखिए कुछ सर्म्स देख करके दिखा रहे, टर्म्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो एक सेकेंड करना स्टार्ट करते हैं। 420 into 36, ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ये तो एक्सपेंड करके लिखा है, इसमें ये ऐसे एक्सपेंड किस में करते हैं, ऐसे एक्सपेंड किस में करते हैं, इसमें करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ऐसे खोल के लिखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ये 2 into 49 into 50, ये क्या हो रहा है, बस इसको थोड़ा सा उसकी पोजिशन चेंज कर दी है, ऑर्डर्स चेंज कर दिए इनके, ये ऐसा ऑर्डर चेंज हम किस में करके करते हैं, ऑर्डर चेंज करके करते हैं हम किस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे ना, ये भी ध्यान देना, तो कम्युनिकेटिव, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है और ये अंडर एडिशन है, तो ये तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस कर रहे हैं, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, तो ये कम्युनिकेटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से 2.5 पैटर्न इन होल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपनी 2.3 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है, थैंक यू।